नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ZTA स्टडी पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, यहाँ पर गुणा का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है उसे उतनी बार जोड़ना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने पर ये क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ये गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जिस संख्या को जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है उसे उतनी ही बार जोड़ना, ठीक है। जैसे कि 4 × 2, है ना, मतलब 4 को 2 बार जोड़िए या फिर 2 को 4 बार जोड़िए, दोनों ही सिचुएशन में आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए चलिए समझ लेते हैं इसे। जैसे कि 4 × 2 है ना, तो 4 को हम लोग 2 बार जोड़ कर देख लेते हैं। देखिए, 4 और 4, है ना, 2 बार, मतलब 4 और 4 कितना हुआ, 8, है ना। ठीक इसी तरह से 2 को 4 बार जोड़ कर देख लेते हैं। देखिए, 2 2 2 2, है ना, 1 2 3 4, 4 बार 2, है ना, 4 बार 2, है ना, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 8, है ना, मतलब 4 को 2 बार जोड़िए या फिर 2 को 4 बार जोड़िए, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए, गुणा सीखने के लिए आपको कम से कम 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा मौखिक रूप से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब 4 × 2, मतलब 4 के पहाड़ा को 2 बार पढ़िए या फिर 2 के पहाड़ा को 4 बार पढ़िए, कितना होगा। चलिए, 2 के पहाड़ा को 4 बार पढ़िए, कितना होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, मतलब 2 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ने पर कितना हो रहा है, 8, 2 × 4 = 8, ठीक है। चलिए, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं, ठीक है। 4 × 8, 4 × 8, चलिए 8 के पहाड़ा को 4 बार पढ़िए, कितना होगा, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, ठीक है, 32 का इकाई अंक 2, 10 अंक 3, ठीक है, 32। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं, 8 × 8, 8 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए, कितना होगा, 8 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए, कितना होगा, 8 × 8 = 64, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं, ठीक है, 42 × 4, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 42 में 2 अंक है और 4 सिर्फ 1 ही अंक है ना। देखिए, 42 में 2 अंक है, 1 2, और 4 जो है 1 ही अंक है ना, तो हम लोग इसे 2 चरण में भी पूरा कर सकते हैं और 1 चरण में भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 42 × 4 को हम लोग 2 चरण में भी पूरा कर सकते हैं और 1 चरण में भी पूरा कर सकते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले 4 के पहाड़ा को 2 बार पढ़िए, कितना होगा, 4 × 2 = 8, है ना, कितना हुआ, 4 × 2 = 8, ठीक है। 4 के पहाड़ा को 4 बार पढ़िए, कितना होगा, 4 × 4 = 16, ठीक है, 4 × 4 = 16, ठीक है, मतलब आंसर कितना आया, 168, ठीक है। देखिए, इसी को हम लोग 2 चरण में कैसे पूरा कर सकते थे, 42 × 4, है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 42 × 4, है ना, कितना आया है, 168, है ना। इसी को 42 × 4 को हम लोग और कैसे लिख सकते थे, 4 × 42, ठीक है। चलिए, 2 के पहाड़ा को पहले 4 बार पढ़िए, कितना होगा, 2 के पहाड़ा को 4 बार पढ़िए, कितना होगा, 2 × 8, ठीक है। देखिए, 42 के इकाई अंक 4 के साथ हो गया, है ना। अब 8 के ठीक नीचे एक क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, कितना होगा, 4 × 4 = 16, ठीक है। चलिए 16 लिख देते हैं, ले लीजिए,
यहाँ पर इसके दहाई और सैकड़ा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, शून्य है। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 8 क्रॉस यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब शून्य है। ठीक है, 8 में शून्य जोड़ने पर 8 ही होगा, 6 में शून्य जोड़ने पर 6 ही होगा, 1 में शून्य जोड़ने पर 1 ही होगा, मतलब 168 है ना। मतलब आप 42 गुना 4 कीजिए या फिर 4 गुना 42 कीजिए, दोनों ही सिचुएशन में आंसर उतना ही आता है। ठीक है, फर्क इतना है कि 42 गुना 4 है ना, यहाँ पर 4 जो है एक ही अंक है ना, तो ये एक ही स्टेप में पूरा हो गया, और यहाँ 42 में 2 अंक है, 1 2, इसलिए 2 चरण में पूरा हुआ। ठीक है, मतलब इसे पूरा करने में 2 स्टेप लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 42 में 2 अंक है ना, 1 2, इसलिए ये 2 स्टेप में पूरा हुआ, 1 8 और 16 वाले स्टेप में। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। ठीक है, 66 गुणा 22। ठीक है, 22 का इकाई अंक कौन सा है, 2 है ना, मतलब 2 का गुना 66 के साथ होगा, उसके बाद फिर से 2 का गुना 66 के साथ। ठीक है, चलिए इस इकाई का गुना 6 के साथ कीजिए, पहले कितना होगा, 2 छक्के 12 है। ठीक है, देखिए 12 है, ठीक है, 12 में कितने अंक है, 2 अंक। ठीक है, इसमें से इकाई अंक 2 को इस 6 के ठीक नीचे लिखते हैं। ठीक है, हम लोगों का हासिल कितना आया, 1। ठीक है, हासिल कितना बचा, 1। अब इस 2 का गुना इस 6 के साथ कीजिए, फिर से कितना होगा, 2 छक्का 12, और 12 में 1 जोड़ने पर कितना होगा, 13 है ना, हासिल बचा था ना हम लोगों का 1। ठीक है, 132। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का दूसरा 2 बच गया। ठीक है, दहाई वाला 2 बचा है, कितने स्टेप में पूरा होगा, ये 2 स्टेप में। ठीक है, क्योंकि 22 में 2 अंक है, 1 2 है ना, इसलिए ये 2 स्टेप में पूरा होगा, एक स्टेप हमने पूरा कर लिया तो कितना आया, 132। ठीक है, दूसरा स्टेप पूरा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इकाई के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, है ना। चलिए 132 का इकाई अंक कौन सा है, 2 है ना, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। चलिए 2 के पहाड़ा को फिर से 6 बार पढ़िए, क्या कितना होगा, 2 के पहाड़ा को फिर से 6 बार पढ़िए, कितना होगा, 12 है। ठीक है, 12 का देखिए, 12 में फिर से 2 अंक है, इसमें से इकाई अंक 2 को लिखते हैं पहले, है ना। चलिए इस 3 के नीचे आ जाएगा ये 2 है ना, हासिल कितना बचा, 1। फिर से 2 के पहाड़ा को 6 बार पढ़िए, कितना होगा, 2 छक्का 12। ठीक है, 12 और 1 13। ठीक है, इस 1 के नीचे 3 आएगा और यहाँ पर 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर हजार के स्थान पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, शून्य है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 2 में शून्य जोड़ने पर कितना होगा, 2 ही होगा, कुछ नहीं है मतलब शून्य है। ठीक है, क्रॉस है मतलब शून्य है। ठीक इसी तरह से 3 में 2 जोड़ने पर कितना होगा, 5। 1 में 3 जोड़ने पर कितना होगा, 4। 3 और 1 4। ठीक है, और 1 में शून्य जोड़ने पर 1। ठीक है, आंसर कितना आया, 1452 या फिर 1452। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, 112 गुणा 3। ठीक है, देखिए इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 112 है ना। चलिए इसे 3 चरण में भी पूरा कर सकते हैं और 1 चरण में भी, है ना, जैसा कि 142 गुना 4 वाले किए थे, है ना। चलिए 3 के पहाड़ा को 2 बार पढ़िए, कितना होगा, 3 दूना 6। ठीक है, 3 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ने पर कितना हुआ, 6। उसके बाद 3 के पहाड़ा को फिर से 1 बार पढ़िए, कितना होगा, 3 एकम 3। फिर 3 के पहाड़ा को 1 बार पढ़िए, कितना होगा, 3 एकम 3, 336 है ना। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 420 गुना 341। ठीक है, मतलब ये 3 चरण में कंप्लीट होगा। ठीक है, 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है। ठीक है, अगर
341 गुना 420 भी करते तो भी तीन ही स्टेप में पूरा होता है ना, क्योंकि दोनों ही संख्या में तीन तीन अंक है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक को 420 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए एक के पहाड़ा को शून्य बार पढ़िए, पहले कितना होगा, एक शून्य शून्य। ठीक है, फिर एक के पहाड़ा को आप दो बार पढ़िए, कितना होगा, एक दो अम दो। ठीक है, फिर एक के पहाड़ा को चार बार पढ़िए, कितना होगा, एक चौ चार। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, देखिए अब 341 के इकाई अंक एक का गुना 420 के साथ हो गया है ना। अब चलिए 341 का दहाई अंक चार का गुना 420 के साथ करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक में है ना? मतलब पहले जो गुना हुआ है उसके इकाई अंक के ठीक नीचे हम लोग क्रॉस का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, चलिए 420 का इकाई अंक कौन सा है, शून्य है, इसके नीचे में एक क्रॉस का मार्क करते हैं। ठीक है, चलिए अब चार का गुना 420 के साथ कीजिए, कितना होगा, चार का पहाड़ा शून्य बार पढ़िए, कितना होगा, चार शून्य शून्य। ठीक है, फिर चार के पहाड़ा को फिर से दो बार पढ़िए, कितना होगा, चार दूना आठ। ठीक है, फिर चार के पहाड़ा को चार बार पढ़िए, कितना होगा, चार चौके सोलह है ना, छः एक। चलिए अब 341 के इस दहाई अंक चार का भी गुना 420 के साथ हो गया। ठीक है, अब लास्ट में सैकड़ा बचा है ना, मतलब तीन, इस तीन का गुना इस 420 के साथ करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे है ना। अभी जो गुना किए हैं उसमें कितना आया है, 1680 है ना, इनमें से इकाई अंक के साथ गुना कर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर भी क्रॉस हुआ और यहाँ पर भी है ना। चलिए अब तीन का गुना 420 के साथ करते हैं। चलिए तीन का पहाड़ा शून्य बार पढ़िए, कितना होगा, तीन शून्य शून्य। ठीक है, फिर तीन का पहाड़ा शून्य बार हो गया, उसके बाद तीन के पहाड़ा को दो बार पढ़िए, कितना होगा, तीन दूना छः। ठीक है, उसके बाद फिर तीन का पहाड़ा चार बार पढ़िए, कितना होगा, तीन चौके बारह। ठीक है, चलिए इन सब को जोड़ दीजिए, क्रॉस यहाँ पर भी एक क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, चलिए शून्य में शून्य जोड़ने पर कितना होगा, शून्य ही होगा। दो में शून्य जोड़ने पर कितना होगा, यहाँ पर क्रॉस है मतलब कुछ नहीं है, मतलब शून्य है। ठीक है, दो में शून्य जोड़ने पर कितना होगा, दो ही होगा। आठ और चार कितना होगा, बारह। ठीक है, बारह में कितने अंक है, दो अंक। देखिए कितना हुआ ये, आठ और चार को जोड़ने पर कितना हुआ, बारह। ठीक है, बारह में दो अंक है, जिनमें से इकाई अंक दो को इस आठ और चार के ठीक नीचे लिखते हैं। हासिल कितना बचा हम लोगों का, एक। ठीक है, जिसे अगली संख्या में जोड़ते हैं। ठीक है, हम लोगों का हासिल एक बचा है। ठीक है, छः और छः कितना हुआ, बारह। बारह और एक तेरह, कितना हुआ, तेरह। तेरह में भी दो अंक है ना, जिनमें से इकाई अंक तीन को इस छः के नीचे लिखते हैं। ठीक है, हम लोगों फिर से कितना हासिल बचा, एक। ठीक है, दो और एक को जोड़ने पर कितना होगा, तीन, और हासिल करके चार। ठीक है, एक में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, शून्य है। ठीक है, सुविधा के लिए आप शून्य डाल सकते हो। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, चलिए एक में शून्य जोड़ने पर एक ही होगा। ठीक है, आंसर कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 1,43,220। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।